Yes, class, in this video I am going to teach you clock tower drawing. So watch my video carefully. Let's start drawing. First step is triangle drawing. You have to draw small triangle in the upper side and join this triangle with two standing line. Draw other horizontal line like this. अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है. स्टैंडिंग टू लाइन आपको ज्वाइन करनी है विद अपर लाइन. स्टैंडिंग लाइन स्टार्टिंग से हमें सेम स्टेप फॉलो करना है कंप्लीट टावर ड्राइंग में. लास्ट में आपको एक लॉन्ग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस ऐसे ड्रॉ करना है. उसको टू स्टैंडिंग लाइन के साथ ज्वाइन करना है. अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है. तो ये हमारा टावर ड्राइंग अभी कंप्लीट हो गया है. अभी हमें यहाँ पर ड्राइंग में हमें एक हट शो करना है, हट ड्राइंग करना है और ट्री दिखाना है बैक साइड. तो हम वो ड्रॉ करते हैं. आप ध्यान से देखेंगे ये हमने 1 2 3 4 फ्लोर से हमें यहाँ से ये स्टेप लेकर जाना है हट ड्राइंग की लाइन स्लैंटिंग लाइन एंड इसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये ज्वाइन करना है. आगे कंटिन्यू करते हैं हम ड्राइंग. तो यहाँ से ये आपको लाइन ड्रॉ करनी है हट का अपर साइड एरिया हम ड्रॉ कर रहे हैं. सेकेंड लाइन आपको सेम यहाँ पर ड्रॉ करनी है पैरेलल. अब हमें यहाँ पर टू विंडोज ड्रॉ करनी है. तो विंडो से पहले हम विंडो ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेट लाइन आपको इस टाइप से ड्रॉ करनी है विंडो के लिए. स्केल की हेल्प से आप करेंगे बेटा. अब हमें ट्री ड्रॉ करना है. तो ट्री से पहले हम 1 2 3 थर्ड बॉक्स है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम एक सर्कल ऐसे हाफ सर्कल हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. अदर साइड अपर साइड हमें फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्स में हमें सर्कल ड्रॉ करना है. तो आप कॉइन की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. हमें यहाँ पर बनाना है क्लॉक टावर. टॉपिक नेम है आपका क्लॉक. हम ड्रॉ करेंगे 12 6 3 9. यहाँ टाइम आपको शो करना है. टाइम दिखाना है वो टू लाइन्स यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है 1 and 2 lines. अब हम ट्री ड्रॉ करेंगे. तो ट्री का हम स्टेम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट. ये देखिए वी बनाना है आपको. आउटर लाइन वी के अदर साइड से लाइन लेके जानी है आपको और ये यहाँ से ये देखिए. अब हमें फ्री हैंड स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ ये कंप्लीट करना है. तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ड्राइंग. टावर ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है. अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे. अब हमें कलरिंग करना है. तो आप देखेंगे ध्यान से हम कलरिंग कैसे करेंगे. सिंपल कलरिंग करना है हमें. अब हमें ब्लैक पेन से आउटलाइन करना है ड्राइंग में. तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं. स्केल यूज़ करेंगे बेटा आप. कंप्लीट ड्राइंग में हमें आउटलाइन करना है ब्लैक पेन से. तो हमने ब्लैक आउटलाइन से कंप्लीट कर दिया है. आउटलाइन ब्लैक ब्लैक कलर यूज़ करा है हमने स्केच पेन. अब हमें जल्दी से स्टार्ट करना है कलरिंग. तो कलरिंग के लिए हम फर्स्ट रेड कलर लेंगे. अपर साइड हट में हम रेड कलर करेंगे. टू डिफरेंट कलर हमारे पास है रेड लाइट रेड एंड डार्क रेड कलर. तो लाइट रेड हम ट्राइंगल में कलर फिल करेंगे. अदरवाइज हम स्टिक में भी रेड कलर फिल करेंगे.
अब हमें ब्लैक एंड ब्राउन से कलरिंग करना है। तो आप देखेंगे सिंपल हमें लाइंस हमें यहाँ पर करना है। टॉपिक में आप देखेंगे आपने मैचिस स्टिक यूज़ करना है। अगर आप मैचिस स्टिक यूज़ करना चाहते हैं माचिस की तीली वो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चे प्रॉब्लम आती है इसलिए हम कलरिंग के साथ ये टॉपिक आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम कलरिंग करेंगे। तो सिंपल आप कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पे ब्राउन, अदरवाइज हम टू कलर्स के साथ यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं। स्टैंडिंग लाइन यहाँ शो करेंगे हम फर्स्ट मैरून एंड सेकंड फर्स्ट रेड, डार्क रेड कलर होगा एंड सेकंड कलर हम ब्राउन कलर से करेंगे। तो ये इस टाइप से थोड़ा स्पेस छोड़ना है अदर लाइन के लिए और आपको यहाँ ये स्टैंडिंग लाइन से अब हम यहाँ पर ब्राउन कलर फिल करेंगे। ये देखिए तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें आगे कंटिन्यू रखना है, टू कलर्स के साथ कंप्लीट कलरिंग करनी है ब्राउन एंड डार्क रेड कलर। वाइट एरिया दिख रहा है आपको लाइन में, वहां हमें ब्राउन कलर यूज करना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है, अब हमें ब्राउन कलर यहाँ फिल करना है। तो इसी तरह से कंप्लीट कलरिंग करना है आपको। ये देखिए तो ये इफेक्ट आएगा आपका, जूम करके शो करेंगे हम। ब्राउन एंड रेड कलर आपको इस टाइप से यूज करना है, कंप्लीट कलरिंग इसी टाइप से करनी है। दिस साइड आपको येलो कलर फिल करना है और स्ट्रिप्स हमने ब्राउन एंड रेड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे इस टाइप से आपको कलरिंग करनी है। अब हम कंप्लीट करेंगे कलरिंग। नेक्स्ट हमें करना है ग्रीन कलर, दिस साइड लाइट ग्रीन कलर करेंगे आप। यहाँ आपको सिंपल कलरिंग करनी है, कलर फिल करना है, कम्प्लीटली फिल करना है आपको, लाइनिंग के साथ नहीं करना है, ओनली सिंपल कलरिंग करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर दिया है, अब हम यहाँ रेड कलर करेंगे। हाफ सर्कल में आपको रेड कलर फिल करना है। बॉटल की कैप से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सर्कल, सॉरी हमें यहाँ ब्लू करना था, चलिए यहाँ हम ब्लू फिल कर देते हैं कलर। क्लॉक में हम नियॉन कलर फिल कर रहे हैं तो उसे अच्छा हाईलाइट हो जाएगा। क्लॉक ड्राइंग बुक में नहीं शो करा है, यहाँ पर आप नियॉन कलर फिल करेंगे ऐसे। फ्री में हम स्टंप में ब्राउन कलर फिल करना है हमें, वो हम कंप्लीट फिल कर देते हैं। इस एरिया में हमें ब्लू कलर करना है, डार्क ब्लू कलर में टॉन्स कलर यूज़ कर रही हूँ। सिंपल फ्लैट कलर करना है आपको यहाँ पर। वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, फिनिशिंग के साथ कलरिंग करनी है। तो ये देखिए ब्लू आपको टू लाइंस में आपको ये ब्लू कलर फिल करना है।
विंडो में हमें आउट कलरिंग करना है, ऑरेंज कलर हम यूज़ करेंगे विंडो कलरिंग में। तो आप देख रहे हैं बेटा, हमने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दिया तो हमारे लिए इजी रहा है बहुत कलरिंग करना, फिनिशिंग भी ऑलरेडी आ गई है। अब हमें कलरिंग कर रहे हैं तो हमें इजी लग रहा है कलर करना, कलरफुल करना। तो आप पहले आउटलाइन करेंगे आफ्टर ड्राइंग, देन कलरिंग करेंगे ऑल ओवर। इसमें बोथ विंडोज़ में आपको ऑरेंज कलर फिल करना है। ये देखिए ये हो गया है फिर। विंडो की ग्लास में हमें ब्लू कलर फिल करना है, कम्प्लीटली फिल नहीं करना, थोड़ा सा वाइट एरिया छोड़ना है आपको। ये देखिए ऐसे ये हो गया, तो आपको भी ऐसे ही फिल करना है, इनकम्प्लीट लगना चाहिए, थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए ग्लास का। अब हमें हट के अपर साइड शेड में हमें कलर करना है। हम ब्राउन कलर यूज़ करेंगे, ऑयल पेस्टल, स्केच पेन एंड ऑयल पेस्टल, बोथ कलर्स हम यहाँ डिफरेंट मीडियम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये ब्राउन कलर कम्प्लीटली फिल करना है अपर साइड आपको शेड में। आउट नहीं जाना चाहिए कलर बेटा, फिनिशिंग का आप हमेशा में हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं फिनिशिंग के लिए, तो आप फिनिशिंग का मेन ध्यान देंगे अपने ड्राइंग में। अभी आपको वाइट एरिया विजिबल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हम येलो कलर करेंगे तो और अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगेगा ये शेडो, इसका शेड और अच्छा लगने लगेगा। अभी ये देखिए ब्राउन एंड येलो कलर हमने यूज़ करा है, अब हम रेड कलर से भी शेडिंग करेंगे। थ्री कलर से हमने यहाँ पर कलरिंग करा है, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो अपर साइड हमने शेड रेडी कर दिया है विंडो का, ये देखिए। अब हम ये लाइन आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, यहाँ पर हम करेंगे ब्राउन कलर, ब्राउन स्केच पेन से मैं करूँगी, सॉरी पेंसिल कलर से मैं यहाँ पे ब्राउन कलर फिल करूँगी। अपर साइड जैसा हमें अट्रैक्टिव नहीं करना है, ओनली डल ब्राउन कलर करना है आपको यहाँ पर। ये देखिए अब हमें ट्री में कलरिंग करनी है, तो ट्री में कलरिंग करने के लिए हम अभी हमें ट्री में कलरिंग करनी है, ट्री में कलरिंग करेंगे हम, सबसे पहले हम येलो टोन यहाँ पर शो करेंगे। तो हम कहीं कहीं येलो कलर से ऐसे स्केच पेन से लाइट लाइट इफेक्ट दिखाएंगे। ये देखिए जैसे हमने ग्लास में करा था वैसे ही हम यहाँ येलो कलर फिल कर देंगे लाइट लाइट, ओनली इतना ही यूज़ करना है आपको। अब हम लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे कलर फाइनल कलरिंग में। तो ये देखिए आप कैसे करेंगे, ये हमने लाइट ग्रीन कलर करा है अभी, अब हम डार्क ग्रीन से फाइनल इफेक्ट शो करेंगे। लीव्स यहाँ पर आपको लीव्स की ड्राइंग, वहाँ पर आपको लीव्स ड्राइंग में डार्क ग्रीन कलर करना है, अच्छे से हाईलाइट करना है कलर। ये देखिए हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, अभी आपको कंप्लीट ये ऐसे यहाँ डार्क ग्रीन ऐसे फिल करना। लास्ट ड्रॉइंग रहता है हमारा हट के, हमें वॉल में कलर करना है, हम येलो कलर फिल करेंगे। तो येलो फर्स्ट तो मैं स्केच कलर से, अपर साइड हम स्केच कलर से करेंगे क्योंकि ऑयल पेस्टल ये कलर हैं ब्रॉड हैं, मोटे मोटे कलर हैं, तो यहाँ पर हम जहाँ स्पेस कम होता है तो वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, पॉइंटेड कलर से हमें फिनिशिंग करनी होगी। ये देखिए यहाँ ये मैंने फिनिशिंग के लिए इधर कलरिंग कर दिया है आउटलाइन। अभी हम कंप्लीट यहाँ पर आउटलाइन में ये येलो कलर फिल करते हैं, इजी रहेगा फेस कलर करना। एक्स्ट्रा हमें एरिया दिख रहा है वहाँ हम
ऑयल पेस्टल कलर करेंगे, वो आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसे करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब येलो कलर हमें कंप्लीट इसको ऐसे फिल करना है, कंप्लीट करना है। ट्री में भी हम हल्का हल्का येलो इफेक्ट ऐसे मर्ज कर सकते हैं बस। यस क्लास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका टॉपिक क्लॉक टावर कंप्लीट हो गया है, ड्राइंग एंड कलरिंग। तो आप ऐसे ही ब्यूटीफुली इसमें कलरिंग करेंगे ड्राइंग बुक में आपको। यस क्लास, आप देख सकते हैं टॉपिक रेडी हो गया आपका, कलरिंग एंड ड्राइंग। तो हमने ड्राइंग कैसे करा है स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी है टॉपिक, कलरिंग भी इंटरेस्टिंग है। तो आप ट्राई करेंगे इसे जैसे आपके ड्राइंग बुक में शो किया है। आपको मैचेस्टिक यूज़ करना है, यहाँ हमने स्टिक ड्रॉ करी है ब्राउन एंड रेड कलर से। तो आप मैचेस्टिक यूज़ एग्जाम में करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, टफ हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये टॉपिक आपको कलरिंग में करवाया है। आप कलरिंग में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, तो आप भी ट्राई करेंगे और ऐसे ही ब्यूटीफुली ड्रॉ करेंगे विद फिनिशिंग।